गुड मॉर्निंग, ECF से खाली प्राइवेट IIT में स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का संरचना कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो हम लोग ये समझेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक लंबा पतला और एक ट्रांसपेरेंट एक प्रकाशीय तंतु होता है, जिससे होके लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ट्रैवल कराया जाता है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर को मीडियम के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इतना पतला होता है कि इसका जो डायमीटर होता है ये मनुष्य के बाल के बराबर होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है ये 0.25 mm से 0.5 mm होता है। ठीक है, तो इससे होता है कि लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट कराया जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड और हाई डाटा रेट के साथ लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर दो चीजों से बनाया जाता है, एक है सिलिका और प्लास्टिक का। तो ये जो सिलिका है ज्यादातर सिलिका का ही यूज किया जाता है। पहले क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है ज्यादा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सिलिका से बना हुआ ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो सिलिका से बना हुआ ऑप्टिकल फाइबर को इसलिए उपयोग किया जाता है कि ये डाटा ट्रांसमिशन के टाइम कम, डाटा को कम ऑब्जर्वेशन करता है तथा जो लॉसेस होता है उसको भी कम करके रखता है, यानी इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखता है। ठीक है, तो मैम हम लोगों को क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन देखना है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर में चार भाग होते हैं मंदिर। पहला होता है कोर, दूसरा क्लेडिंग, तीसरा बफर जैकेट और चौथा होता है आउटर जैकेट। तो ये क्यों, कोर जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अंदर का भाग होता है जिससे होके लाइट सिग्नल को ट्रैवल कराया जाता है। तो इससे लाइट सिग्नल को ट्रैवल कराया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसके बाद होता है क्लेडिंग, ये कोर के ऊपर का परत होता है। क्लेडिंग का मेन काम क्या होता है कि जो कोर से लाइट सिग्नल जो ट्रैवल कराया जाता है उसको पूरा रिफ्लेक्ट बैक करना है। अब ये आया हुआ रिफ्लेक्ट बैक, तो रिफ्लेक्ट बैक क्यों करता है, जो कोर से सिग्नल जो ट्रांसमिट कराया जाता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ट्रैवल करता है, यानी जो लाइट सिग्नल है वो सीधा रेखा पे ना जाकर पूरा ज़िगज़ैग पाथ पे ट्रैवल करता है। ठीक है, अब आया ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब किसी भी लाइट सिग्नल को आपतित करते हैं तो उसका जो अपवर्तन कोण का मान होता है जो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है उसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बफर जैकेट। तो बफर जैकेट क्लेडिंग के ऊपर का एक स्ट्रेन परत होता है जो मेनली ऑप्टिकल फाइबर को पर्यावरण में क्षति से बचाता है, यानी हैंडलिंग के टाइम जैसे तनाव हो जाता है तो उससे कोर का जो टूटने का डर होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद है आउटर जैकेट। आउटर जैकेट ये ऑप्टिकल फाइबर के सबसे बाहर का परत होता है। ये भी ऑप्टिकल फाइबर को पर्यावरणीय क्षति से ही बचाता है, जैसे वह धूल, पानी, मिट्टी, ठीक है, उससे ऑप्टिकल फाइबर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मेन ये ऑप्टिकल फाइबर में मेन चार भाग होते हैं, पहला कोर, क्लेडिंग, बफर जैकेट और आउटर जैकेट। ऑप्टिकल फाइबर को कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करने का मेन ये
फायदा होता है कि इसमें जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं कोई भी सिग्नल को यानी लाइट सिग्नल को, तो इसे लॉसेस होने का बहुत कम चांस रहता है या फिर डाटा को चोरी करने का बहुत कम चांस होता है। इसी के वजह से ऑप्टिकल फाइबर को कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में उपयोग में लाया जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी आज की क्लास के लिए इतना है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।